सभी का आज के इस वीडियो में, और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पगार बुक एप्लीकेशन को कैसे यूज करते हैं और इसको यूज करके आप अपने स्टाफ को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, जो भी पेमेंट वगैरह करेंगे उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भैया चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो जैसे कि आप मेरे होम स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये रहा पगार बुक एप्लीकेशन। तो इसका लोगो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। अब सबसे पहले मैं चलता हूँ प्ले स्टोर पर, देन इसके बारे में और भी सर्च करके आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये एप्लीकेशन जो है ना भैया बहुत ही हाई रेटेड एप्लीकेशन है। ठीक है, तो मैं सर्च कर देता हूँ पगार बुक एप्लीकेशन। स्टाफ यहाँ पे देख सकते हैं। अब इस एप्लीकेशन पे टैप करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 मिलियन से ज़्यादा इसके टोटल डाउनलोडिंग हो चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन आगे की तरफ अगर बात करें तो देख सकते हैं एप्लीकेशन का साइज 6 MB का है, और यहाँ पे रिव्यूज की अगर बात करें तो 11,000 से ज़्यादा हो चुके हैं, और यहाँ पे रेटिंग्स की अगर बात करें तो 4.5 के है, मतलब 5 स्टार्स के लगभग नज़दीक ही हैं। तो आप देख सकते हैं। अब साथ में यहाँ पे अगर बात करें तो आपको मिल जाता है छोटा सा ट्यूटोरियल वीडियो, जिसको आप वॉच कर सकते हैं। अगर चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, और साथ में इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे यहाँ पे बैनर पोस्टर्स मिल जाते हैं। अब चलिए इस एप्लीकेशन को मैं सिंपली कर लेता हूँ ओपन। सो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अपने होम स्क्रीन पे। अब होम स्क्रीन पे आने के बाद आप देखेंगे कि इस एप्लीकेशन को मैं कर लेता हूँ यहाँ से ओपन। ओके, तो इस पे मैं टैप कर देता हूँ। अब टैप करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं पगार बुक। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए मिल जाता है ऑप्शन, तो आप इसमें कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिएगा, हिंदी, इंग्लिश, जो भी जिस भी लैंग्वेज मराठी वगैरह में कंफर्टेबल है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए मैं यहाँ पे इंग्लिश पे सिलेक्ट कर देता हूँ, देन कंटिन्यू पे टैप कर देता हूँ नीचे। अब कंटिन्यू पे टैप करने के बाद में आपके सामने यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करने के लिए, और अगर आप कंफर्टेबल इस लैंग्वेज में नहीं है तो आप अपने लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर कीजिएगा तो OTP आएगा, ठीक है, और यहाँ पे अगर कंटिन्यू पे टैप कर देंगे तो भैया ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। तो चलिए मैं जल्दी से अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देता हूँ, देन कंटिन्यू कर देता हूँ। ओके ओके, सो OTP डालने के बाद में आपको यहाँ पे अलाउ टू एक्सेस, यहाँ पे देख सकते हैं योर कॉन्टेक्ट मांगा जाएगा, तो आप अलाउ भी कर सकते हैं और डेनी भी कर सकते हैं। तो डेनी कीजिएगा तो भैया यहाँ पे अगर वर्कर को ऐड कीजिएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, सो अलाउ ही कर दीजिएगा। अब यहाँ पे OTP वेरिफिकेशन होने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं आपको आ जाएगा स्टाफ सिलेक्शन यहाँ पे, यानी कि आप अपने स्टाफ को ऐड कर सकते हैं। देन यहाँ पे एक छोटा सा ट्यूटोरियल वीडियो मिल जाएगा कि हाउ टू यूज़ पगार बुक, तो आप भी इसको यूज़ कर लीजिएगा। वैसे तो मैं यही बता ही रहा हूँ, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। अब आगे की तरफ अगर बात करें तो आपको मिल जाता है यहाँ पे देख सकते हैं स्टाफ मैनेज का यहाँ पे मेडिजी यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, सो देख सकते हैं नंबर यानी यहाँ पे दिया हुआ है मंथली फिक्स्ड, यहाँ पे डेली वीकली, और यहाँ पे देख सकते हैं आवरली एंड पर, यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस वर्कर, यहाँ पे रिकॉर्ड सैलरी, एडवांस, पेंडिंग, यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट्स वगैरह, और अटेंडेंस वगैरह यहाँ पे आप ले सकते हैं, ये सब कुछ दिया हुआ है। सेंड SMS, PDF रिपोर्ट्स यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्लॉयर, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। देन यहाँ पे अगर बात करें तो आपको जो है एक छोटा सा अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है आपका जो भी बिजनेस है। तो हालांकि मैंने जो है यहाँ पे बुक सेलिंग से रिलेटेड एक बिजनेस बनाया, जो कि यहाँ पे देख सकते इस तरह से ऐड कर सकते हैं, वो आपको बताने वाला हूँ। सो यहाँ पे अगर बात की तो आपको ऐड पे टैप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पे देख सकते हैं ऐड यहाँ पे स्टाफ। सो प्लीज यहाँ पे देख सकते हैं फिल इन द बिलो द फोल्डर क्रिएट योर, यहाँ पे देख सकते हैं स्टाफ एंड मैसेज देयर एक्सपेंसेस, मतलब कि आप जो है अपने उनको मैसेज भेज सकते हैं एम्प्लॉयर को, जो भी है आपके स्टाफ उनको, तो उनका यहाँ पे सिंपली आपको नाम इंटर करना होता है। देन यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर, आप इस तरह से आप अपने कस्टमर को ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है यहाँ पे आप अपने जो है स्टाफ को ऐड कर सकते हैं। देन जो भी मैसेज वगैरह हो आप उनको सेंड कर सकते हैं, जो भी अपना काम से रिगार्डिंग। साथ में नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टाफ अटेंडेंस, और यहाँ पे देख सकते हैं हायर और प्रोफाइल का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जिसमें आप चाहेंगे तो यहाँ पे डेट वाइज आप जो है उनका अटेंडेंस ले पाएंगे, और साथ में यहाँ पे एक PDF मिलेगा जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आगे की तरफ यहाँ पे बात किया तो आपको हायर का ऑप्शन मिलता है, जिस पर अगर आप टैप करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे आपको सिंपली प्लस जॉब यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपको जॉब का डिटेल यहाँ पे फिल कर देना है। देन फिल करने के बाद में आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, जो भी आपके कलीग वगैरह है, जो भी आपके स्टाफ है, उनको बता सकते हैं कि आपको किस तरह से क्या क्या करना है, वॉट एवर जो भी है। सो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अपने फ्रेंड्स को जोड़ सकते हैं इससे, और किस तरह से हायर कर सकते हैं। अब साथ में यहाँ पे अगर बात करें तो आपको मिल जाता है एक प्रोफाइल का ऑप्शन, जिसमें यहाँ पे अगर बात करें तो आपका जो है नेम होगा, साथ में यहाँ पे बिजनेस नेम होगा, देन आपका मोबाइल नंबर, और आगे की तरफ अगर बात करें तो कैलेंडर जो है
होगा कि मंथली हिसाब से यहाँ पे जो है कैलेंडर के हिसाब से होगा। देन लैंग्वेज यहाँ पे सिक्योरिटी पासवर्ड और बिजनेस मैनेजमेंट के रिलेटेड यहाँ पे आपको कुछ मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो आप अपने प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। इसमें अगर बात करें तो आपके बिजनेस रिलेटेड आप यहाँ पे पिक वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। आगे की तरफ अगर बात करें तो आप जो है यहाँ पे हेल्प वगैरह चाहिए तो आप जो है यहाँ पे सिंपली व्हाट्सअप से करके आप कर सकते हैं। तो यही था छोटा सा वीडियो जिस एप्लीकेशन के बारे में। आप इसमें किसी भी सेलर अगर हो, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बुक सेलिंग वगैरह से रिलेटेड मैंने बनाया है, तो आप भी किसी भी किराना वगैरह स्टोर वगैरह है, बुक सेलिंग है, अगर आप टीचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह चलाते हैं सो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यही था छोटा सा वीडियो जिस एप्लीकेशन के बारे में। आई होप आपको पसंद आया होगा। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।